कालच्या ही माहिती तुमच्याकडे अगोदर पासून होती, परंतु कालच्या बैठकीमध्ये तुम्ही काहीच सक्त सूचना ज्या आहेत त्या काँग्रेस आमदारांना केलेल्या नाही. एक बघा की विश्वास, काँग्रेस पक्ष हा लोकशाहीला मानणारा पक्ष आहे. काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, राहुल गांधीजी, सोनिया गांधीजी यांच्या विश्वासावर पूर्ण देशामध्ये काम करते आहे. त्याच्याच आधारावर आम्ही आमदार बनवतो, त्यांच्या आधारावर खासदार बनवतो. पण असे काही विश्वासघाती लोक असतात, त्या विश्वासघाती लोकांना आता जो धडा मी शिकवणार त्याला पुढच्या काळात कोणी अशा पद्धतीची कारवाई करायची हिंमत करणार नाही. अशा पद्धतीचं आमचं ऍक्शन राहणार आहे हे आम्ही तुम्हाला सांगतो. अरे एक एका बोला ना, एक ही मिनिट आप रुकिए, उनको एक एक सब प्रश्न आप पूछेंगे. आप पूछे नाही ना, असं नाही ना, सगळ्यांना विचारू सगळे सगळे. झालं आता जो झाला तो झाला, आता मला कळलं त्याला. हा कांग्रेस को धड़ा नहीं सिखा सकते कोई भी. इनके आका जो दिल्ली वाले जो अपने आप को भगवान से भी ज्यादा बड़े समझते हैं, भगवान उनके चेले ऐसे बोलते हैं, ऐसे आका भी कांग्रेस को भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, वो नहीं बना सके. आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दोनों को भी वो जवाब नहीं दे सकते. ऐसे कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता. कोई बेईमान लोग, बेईमानों की संख्या आपने देखी है, जिन्हें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पक्ष के भरोसे, वो लोगों ने की है. तो ऐसे लोगों के बारे में वो होता ही है. अभी अपने राज्य में उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी गई, तो यह सब खेल चलते रहा. 2019 और 2024 तक महाराष्ट्र के राजकारण में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भाजपा ने जो शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा की व्यवस्था को महाराष्ट्र को बर्बाद करने का जो प्लान किया था, उससे लोक प्रतिनिधि को खरीद फरोख्त करने का जो पाप इन लोगों ने किया वो महाराष्ट्र की जनता ने अपने आंखों से देखा. और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में इन लोगों को जवाब दिया. महाराष्ट्र की जनता यह नहीं चाहती. आज भी अगर विधान परिषद के चुनाव में ऐसे कोई लोग बिके होंगे तो ऐसे लोगों को भी लोग जगह दिखाएंगे और ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे. अब आपको आंकड़ा मैंने बता दिया ना, कार्रवाई करेंगे. अभी विधानसभा के बारे में बनाई जाएगी, डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, सेंट्रल लीडरशिप को बताया जाएगा. हमने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमने हमारे हाईकमांड को जो आइडेंटिफाई लोग हुए उनके नाम हमने सूचित कर दिए हैं. आजकल में उनका मैसेज आएगा और जब कार्रवाई होगी तो आपको पता चलेगा. महाविकास आघाड़ी ने नैरेटिव फैलाया है, उनका प्रचार प्रसार भी गलत किया है. ये झूठ बोलने वाले लोग है, खुद ही नैरेटिव 400 बार किसने बोला था? 15 लाख रुपए लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए डालेंगे, किसने बोला था? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसने बोला था? कौन सा नैरेटिव? यही नैरेटिव जो आप लोगों ने इनको इनकी जगह दिखाई तो विधानसभा से नहीं, जो लोगों ने